सेकेंड क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, जो हम कि थोड़ा सा आगे पढ़ने जाएं कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में मैंने बता दिया था आपको, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दिया था, कंप्यूटर क्या होता है, उसके कौन से डेवलप के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसको मैं आप ब्रीफ करूँगा छोटे छोटे पार्ट में। पहले मैं बताऊँगा कंप्यूटर के टू मेनली पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के टू मेनली पार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक हार्डवेयर, हार्डवेयर, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोग देख के ही वर्ड से ही पहचान सकते हैं। सॉफ्ट मतलब जिसको हम छू नहीं सकते बट देख सकते हैं, हार्डवेयर जिसको टच कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें जो इंटरनल मैटर होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन द कंप्यूटर ये के दो बेसिकली पार्ट है और टू मेन पार्ट है। आपका हार्डवेयर में क्या आता है, जैसे इन चीजों को मस्त, जैसे आपका मॉनिटर आता है, कैलकुलेटर आता है, कंप्यूटर में आता है, ये सब क्या चीजें आपके इलेक्ट्रॉनिक जो चीज है वो हार्डवेयर आती है। बट उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जिसके थ्रू रन करता है वो पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का। आपकी छोटी सी डिजिटल मीटर में भी एक छोटी सी वो एक प्रोसेसर लगी होती है, वो सॉफ्टवेयर काम करता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर आपकी डिजिटल घड़ी में भी एक सॉफ्टवेयर काम करती है। और जो घड़ी के ऊपर जितने भी आपके रिबन होते हैं, उसके एलईडी स्क्रीन होती है, वो हार्डवेयर की पार्ट होती है। किसी भी सेक्टर में आप जाएं, मोबाइल में आपके मोबाइल की स्क्रीन होता है, टच पैड होता है, ये सब हार्डवेयर पार्ट होते हैं। बट उसके इंटरनली जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब निर्देश जो होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर में जाएंगे, हार्डवेयर पार्ट में डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर पार्ट में पहले क्या आता है, आपको मॉनिटर, जिसपे आप, ये डिस्प्ले डिवाइस होता है जिसपे आप सारी चीज आपको डिस्प्ले आपको मिलती है। दूसरा क्या होता है मॉनिटर के बाद, आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई चीज कीबोर्ड इन टेक्स्ट अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल मैटर, ठीक है, अप डाउन का मैटर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। साथ साथ आपका क्या होता है माउस, माउस क्या होता है, आपकी कोई भी कर्सर पॉइंट जो होती है सिलेक्शन के लिए, और कर्सर पॉइंट सिलेक्शन के लिए क्या यूज होता है माउस। फिर आगे क्या यूज होता है हम लोग का, प्रोसेसर या सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ये क्या होता है, ये भी हार्डवेयर पार्ट होता है। इसके अंदर आपको पूरे सेटअप बॉक्स लगाते हैं, उसके अंदर मेमोरी लगी रहती है, मतलब हार्ड डिस्क, और भी आपके मदरबोर्ड लगी होती है, उसके अंदर सीडी डीवीडी रीडर लगी रहती है, आपका रैम लगा रहता है, ठीक है। और हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो भी। अब क्या यूज करते हैं हम लोग, कैमरा, कैमरा भी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है इसमें, और भी बहुत सारे। और सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में लाइक किसी भी छोटे छोटे प्रोग्राम को हम लोग करते हैं, ठीक है, जो सेटअप इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमको क्या करना, अपना प्रिंटर लेना है, कंट्रोल पी मैंने कर दिया, ठीक है। हमें क्या, कंट्रोल पी करने के बाद, कंट्रोल पी क्या होता है, शॉर्ट कन्वर्टर होता है किसी भी पेज को प्रिंट आउट करने का। सॉफ्टवेयर में जब हम जैसे हमने क्या यूज किया, तो सेटअप इंस्ट्रक्शन हो गया, बस वो किस पे थ्रू होगा, वो एचपी गैजेट आती है, एचपी का प्रिंटर है तो एचपी गैजेट के थ्रू आती है, कैनन का प्रिंटर तो कैनन के थ्रू आती है। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर बेकार होता है। अब सॉफ्टवेयर कहाँ रन करता है, ये हार्डवेयर के अंदर रन करता है, ये इंटरनल वेक्टर होता है, ये डाटा थ्रू। सॉफ्टवेयर में पहला कौन सा हो गया आपका, नॉर्मल चलते हैं एमएस ऑफिस पैकेज हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, आपके मोबाइल में जो भी आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करते हैं वो भी एक एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर भी होता है, उसको हम एप्लीकेशन मोबाइल में एप्लीकेशन के नाम जानते हैं। समझ रहा है, इसमें इसमें आगे छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं, जैसे इनपुट कितने डिवाइस होते हैं, आउटपुट कितने डिवाइस होते हैं, ड्रम के टाइप के होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के फीचर के बारे में, उसकी फीचर क्या होती है। पहला फीचर आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में यूज किया होगा, छोटे छोटे फीचर को, पहली क्या होती है फीचर, उसकी स्पीड। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, उसको शॉर्टकट मेथड में कंप्यूटर कर देता है, बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटे से नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड में कंप्यूटर एक्यूरेट कर देता है, बड़े से बड़े आपके लॉजिकल सोल्यूशन को वो कर देता है। उसके बाद क्या होती है दूसरा, आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है
किसी भी चीज में त्रुटि ना हो, मतलब कोई मतलब उसमें त्रुटि नहीं होती है, किसी भी उसके सोल्यूशन में कोई त्रुटि नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक इसमें क्या हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं, अपने आप प्रिंट क्या होता है, प्रिंट ले लेता है, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू दे देता है। उसके बाद चौथा होता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कोई चीज हम कोई डेटा फाइल पर रख रहे हैं, फाइल पर रखते हुए क्या होता है, बहुत से फाइल हमारी बन जाएगी, बट उसको छोटे से फॉर्म रखने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसीलिए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल चिप जो होता है। और अगला क्या है, डिलीजेंसी। सममता, कंप्यूटर कोई भेदभाव नहीं करता, उसमें क्या होती है, हमेशा सममता होती है। ये और भी आपके लाइफ स्टाइल फीचर मिलते होंगे। इसकी एक चीज है, इसमें आईक्यू नहीं होता, कंप्यूटर की नो आईक्यू होती है, इसकी आईक्यू लेवल नहीं होती है। जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देते जाते हैं वो होता जाता है। आगे भी स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बारे में, अभी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चल रही है, कंप्यूटर के यूज। ये तो फीचर हो गया, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे आप छोटे छोटे सेक्टर में जाते हैं, बड़े बड़े सेक्टर में जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब उसके जैसे यूज का है, उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला आप जिस सेक्टर में पहले अभी के स्टूडेंट हो तो एकेडमिक सेक्टर में एजुकेशन, दूसरा आपके बहुत से सेक्टर आसपास होंगे सबसे ज्यादा काम बैंकिंग, तीसरा आपको एरोप्लेन का टिकट कराना एयरलाइंस, चौथा रेलवे में, पांचवा आप जाते हो छोटे छोटे इंडस्ट्री में, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो, छठवा बिजनेस में, आगे बढ़ते हैं हम लोग मेडिकल सेक्टर में, साइंटिस्ट में, इंजीनियरिंग में, और आगे हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे आप लोग यूज करने के यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में और भी बहुत जगह छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। आप लोग के घर पे ऑनलाइन आती होगी, बिजली बिल आती होगी गवर्नमेंट की, उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, गाड़ी का चार्ज पड़ता है, वो भी ऑनलाइन आता है। ये सब क्या हो, गवर्नमेंट कंप्यूटर के यूज के लिए कंप्यूटर का यूज करती है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन। आप हर जगह एजुकेशन सेक्टर में जाइए, आपके कॉलेज में या कहीं भी हो, आप कंप्यूटर के लिए एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज है। उसका बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या होता था, तो लोगों के जो ट्रांजेक्शन होते हैं मतलब लेन देन होते हैं वो क्या होते हैं, फाइलों के थ्रू होते थे, अब सब काम ऑनलाइन होता है, UPI भी आ गया, गूगल पे आ गया, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आ गई, उसके बाद ट्रांजेक्शन होते हैं। साथ साथ एयरलाइंस में ऑनलाइन टिकट की होगी सुविधा, आपको रेलवे में आपको ऑनलाइन टिकट की सुविधा, उसके बाद टिकट का रेल का क्या है, ट्रेन कहाँ पहुंची है, उसकी सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। इंडस्ट्री में छोटे इंडस्ट्री चाहे बड़े इंडस्ट्री, उसमें डेटा को अपने कंज्यूमर को क्या करना है, ऐड करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, साथ अपने स्टाफ फैसिलिटी का सारा डेटा रखना, उसको सैलरी के बारे में सारी डिटेल रखना। इंडस्ट्री में बिजनेस में छोटे छोटे स्टाफ पे चले जाइए, आस पास आपको बिजनेस में मिलेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, छोटे किसी दुकान पर चले जाइए, वो डेटा स्टोर करने के लिए किसी मोबाइल सेट पर चले जाइए, वो भी यूज करता है। मेडिकल सेक्टर में क्या होता है, आपको कोई भी साइंटिस्ट होता है उसको रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, छोटे छोटे हर जगह अच्छा मेडिकल शॉप पर चले जाइए। साइंटिस्ट में आपके जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, इसरो होते हैं, ये सब की जगह भी कंप्यूटर का यूज होता है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सीएस ऑटोमोबाइल किसी भी सेक्टर में जाइए, बिना कंप्यूटर का कहीं काम होने वाला नहीं है। साथ साथ हम
कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इंटरग्रुप में कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट वे ये ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हो गई थी जो है। उसके बाद एडमिशन प्रशासन, गवर्नमेंट का कोई काम होता है, डेटा को स्टोर करना, चुनाव करवाना, सारे काम ऑटोमेटिक कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। ऐसे ये क्या हो गया एप्लीकेशन ना, ऐसे बहुत से आपके रियल लाइफ में भी छोटे छोटे आपके एप्लीकेशन मिलते रहेंगे जो आपको सर्वाइव करते रहेंगे। और भी आपके हैं इसमें, आगे भी स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे किस जनरेशन में कैसे हुआ, जैसे इंसानों की क्या होती है प्रवृत्ति होती है, अपने जो होती है आविष्कार समय के जो ढलते माहौल के साथ आविष्कार होता है, ठीक है। वो आविष्कार क्यों होता है, क्योंकि आपकी उपयोगिता ही आविष्कार की जननी होती है। आपको क्या होता है छोटे छोटे चीज के बड़े होंगे रिक्वायरमेंट जैसे ही बढ़ती है वो क्या होता है वो चीजों को डेवलप वैसे धीरे धीरे होता रहता है। ऐसे ही कंप्यूटर क्या होता है पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसके क्या होता है उस पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसमें डेवलप होता गया, लोग देखते गए, वो एक शॉर्ट में होता गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले क्या स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन मतलब पीढ़ियां, पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या होता है जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है प्रथम जनरेशन प्रथम पीढ़ी, जो कंप्यूटर जनरेशन की है टोटल फाइव जनरेशन में कंप्यूटर क्या हुआ धीरे धीरे डेवलप हुआ वो, और हम आपके बीच में जाके एक छोटे से पाम टॉप लैपटॉप टैबलेट के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। अभी भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे हर जगह। जैसे आपके जनरेशन में पहला जनरेशन होता है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो पहला जनरेशन होता है पहला जनरेशन हुआ वो क्या हुआ 1940 से लेकर 1956 के बीच में जाके ये चला, मतलब 16 साल का ये पहला जनरेशन था। उसमें क्या यूज हुआ था नॉर्मल हम लोग का कोई यूज हुआ था, उसमें क्या यूज हुआ था हमारा बैकअप ट्यूब। जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं ना हमारा रैम कितने जीबी का है, स्टोरेज वाइज जैसे अभी कोई मोबाइल में 3 GB हमारा है 64 GB है, तो उसमें 3 GB क्या होता है 3 GB होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसके आज जैसे आप डेस्कटॉप पे कोई मोबाइल चलाते हो तो जो आपके उस पे रहेंगे सारे जो रन करते हैं वो आपके रैम पे रन करते हैं, जो कि 3 GB 4 GB 8 GB जो भी आपके मोबाइल में होता है उसके थ्रू रन करते हैं। इसमें पहला जनरेशन होता है 1940 से लेकर 1956 के बीच में स्टार्ट हुआ था, जो कि इसमें क्या है प्राइमरी मेमोरी में क्या यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है वैक्यूम ट्यूब होता है वैक्यूम ट्यूब क्या होता है वैक्यूम आप लोग कभी कोई जैसे मुर्गी फार्म होती है उसमें जो मुर्गियों को चारा देते हैं वो जो बॉक्स होता है वैसे ही वैक्यूम ट्यूब होता है, वो सिलिकॉन का बना होता है। उसमें क्या होते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ और स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज हुआ। स्टोरेज के लिए क्या यूज हुआ पहले स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है यूज हुआ मैग्नेटिक ड्रम की एक डिवाइस थी ये बहुत स्मॉल पार्ट में डेटा को स्टोर करता था, ठीक है। और बहुत से इसकी स्पीड मात्र बहुत ज्यादा थी नहीं, इसकी स्पीड 333 माइक्रो सेकेंड के हिसाब से इसकी थी। आगे उसमें क्या हुआ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी हम क्या यूज करते हैं विंडोज 7, 8, 11 जो यूज करते हैं उस टाइम क्या हुआ था उस टाइम जब स्टार्ट हुआ था तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था कंप्यूटर में, बैच BADCS बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज हुआ था जो कि स्पीड देता था 333 माइक्रो सेकेंड का। उस समय कोई हम सेटअप इंस्ट्रक्शन देते थे कोई भी हम देते थे वो क्या होता था वो 333 माइक्रो सेकेंड का स्पीड देता था जो कि बहुत ज्यादा थी आज के मुकाबले तो बहुत ज्यादा थी। उस समय सिर्फ कंप्यूटर का यूज क्या होता थोड़ा साइंटिस्ट सेक्टर में होता था। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया था
तो जाके वो बिजनेस में स्टार्ट हुआ था। इस समय जो पहला कंप्यूटर था वो जो अभी भी नाम में है UBIMAC, इस दौरान जो कंप्यूटर बना था उसका नाम यूनिमैक। उसके बाद एक कंप्यूटर इसमें और बना था उसका नाम ENIAC, वो भी इसी तरह के कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। EVMAC नाम से इनिंग नाम से आपका कंप्यूटर यूज होते थे। और आगे जो स्टार्ट इसमें क्या है, इसमें मात्र जो स्पीड देती 333 माइक्रोसेकंड की थी जो कि बहुत कम थी। ये यूज हुआ था सिर्फ साइंटिस्ट सेक्टर में ही इसका यूज हुआ था उस टाइम जो कंप्यूटर आया था। और इसका यूज पर्सनल जैसे यूज के लिए, बिजनेस में यूज के लिए वो इस टाइम स्टार्ट हुआ था। आपका जब कोई भी कंप्यूटर जाके सेकंड जनरेशन में जाकर सेकंड जनरेशन में जब गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ वो बिजनेस सेक्टर में गया। जो 1956 से लेके 1963 के बीच में जो सेकंड जनरेशन आई उसमें जाके आपका जो सेकंड, उसमें तब जाके साइंटिस्ट के अलावा बिजनेस सेक्टर में भी कंप्यूटर का यूज होने लगा। तो आगे हम क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कैसे स्टार्ट हुआ। ये आपके हर एग्जाम की बात है, 1940 से लेकर 1956 के बीच में आपका फर्स्ट जनरेशन हुआ। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें बैकअप यूज करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद क्या हुआ था, हम लोग का स्टार्ट हुआ था सेकंड जनरेशन में हमारा स्टार्ट हुआ था 1956 से लेके 1963 के बीच में जो जनरेशन स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का वो सेकंड जनरेशन कहलाया। जो इसमें क्या हुआ, इसमें एक सी बहुत चीज डेवलप हुई जो इसके 16 साल के अंतराल में जो भी इसमें कमियां थी उसको लोगों ने दूर किया। इसी दौरान आपका फाइल शेयरिंग सिस्टम आया, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है इसी दौरान आया। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो हम लोग प्राइमरी डिवाइस यूज करते थे वो लोग क्या यूज करते थे, हम लोग ट्रांजिस्टर नाम सुना होगा। ट्रांजिस्टर क्या होता है, डेटा स्टोर कैपेसिटी अदर देन बैकअप टू बहुत ज्यादा थी और स्पीड में भी क्या देती थी, स्पोर्ट में भी बहुत ज्यादा देती थी। वो मात्र जो इसमें आया 10 माइक्रोसेकंड में हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन सेटअप इंस्ट्रक्शन दे देते वो कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है, इसमें क्या होता 333 माइक्रोसेकंड, इसमें 10 माइक्रोसेकंड। और इसमें क्या होता था, टाइम शेयरिंग या मल्टी बैच जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, मल्टी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग सिस्टम से क्या होता था, हम लोग एक साथ कई टास्क कर सकते थे। जो इसमें यूनिमैक से जाकर जो लैंग्वेज डेवलप हुआ था वो आगे चल के क्या हुआ था, असेंबली लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो जाके हम लोग सेकेंड जनरेशन में हम लोग 1956 से लेकर 1963 के बीच में जो हमने छोटा सा ये परफॉर्म था मात्र 7 या 8 साल का होगा ये जो जनरेशन था। इसमें 2-3 चीज अपडेट हुई और इसका जनरेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। इसके बाद जो आगे का जनरेशन है बहुत लंबा पीरियड चला 1964 से लेकर और ये एक पीरियड चलता आया। उसका मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। 1963 वाले जो 7 साल का जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था जो कि एक छोटे से किट में भी आपका सेकेंडरी डिवाइस काम करता था। और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज हुआ था, वैसे यूज हुआ था मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक क्या होता है, आप लोगों ने रील देखा होगा पहले में जो गाने वाले रील होते हैं वैसे ही रील की तरह उसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी होती थी। पहले कंप्यूटर में मैग्नेटिक का यूज हुआ था, पहले जो आपके गाना सुनने वाले थे सीडी रील वाले कैसेट वैसे ही वो क्या होता था, रील वाले कैसेट उसमें मैग्नेटिक होता है उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं वही होता था। इसमें जो लैंग्वेज हुआ था वो असेंबली लैंग्वेज हुआ था। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये आपको आगे टाइपिंग में जो C++ पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, लैंग्वेज दो टाइप का होता है, हाई लेवल और लो लेवल। तो इसमें क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन में हम लोग UBIMAC से आगे बढ़ के जो आप हम लोग ने स्टार्ट किया था वो असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता आपको इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनते थे, ये व्यापक प्रबंधन
मतलब कोई भी सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में इसका यूज होने लगा। आगे हम लोग क्या डेवलप किए असेंबली लैंग्वेज के अलावा, छोटा सा डेवलप किए हम लोग बिजनेस सेक्टर में यूज होने लगा आपका। और उसके बाद कोई फाइल को ऑपरेशन करने के लिए साथ साथ, क्योंकि कोई भी परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेटा स्टोरेज के लिए धीरे धीरे हम लोग फाइल के सिस्टम बनाना इसी जनरेशन में स्टार्ट किए थे, क्योंकि फोल्डर और फाइल बनना इसी जनरेशन सेकेंड जनरेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे। जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में ये अपडेट हुआ था। इसमें क्या हुआ, प्राइम बैकअप रूप से आपका आया इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर आया था, फिर मैग्नेटिक ट्रांसमिशन में टेप आया था, लैंग्वेज में आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में असेंबली लैंग्वेज आया था। स्पीड में बहुत हम लोगों ने डेवलप किया था, 333 से 510 माइक्रोसेकंड पे आ गए थे। फिर आगे हम लोग का क्या स्टार्ट हुआ था, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ भी क्या होता है, उसके बाद आप लोगों ने आईसी सुना होगा, कोई मोबाइल जल्दी आता है तो हम लोग जाते हैं पूछते हैं क्या है, क्या लेना हुआ, तो दुकान वाला कहता है कि आपकी आईसी जल रही है, ठीक है, आपकी रूम की आईसी जल रही है, इसकी आईसी जल रही है। तो क्या होता था, वो स्टार्ट आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ट्रांजिस्टर का एक छोटा सा पार्ट होता है, ढेर सारे ट्रांजिस्टर को मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है। तो इंटीग्रेटर मतलब ढेर सारे कंबाइन करके एक सर्किट का एक फॉर्म होता है। तो आपका थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ था। थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, 1964 से लेके 1971 में रिसर्च हो जाता। 1964 से लेकर 1971 तक जो भी हम लोग ने काम किया था वो आया था आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद सेकंड स्टोरेज में क्या यूज हुआ था, इसी दौरान हम लोग जो अब एनडी से देखते हो ऑप्टिकल डिस्क, जो ऑप्टिक से देखते हो वो मैग्नेटिक डिस्क होती है, उसी दौरान जो थर्ड जनरेशन में आपका कोई भी डेवलप हुआ था वो इंटीग्रेटेड सर्किट आया था और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क आया था। और इस दौरान जो लैंग्वेज आई थी वो क्या आई थी, कोबोल, फोरट्रान, फोरट्रान। उसके बाद इसमें जो स्पीड थी वो स्पीड क्या होती, 100 नैनो सेकेंड, 100 नैनो सेकेंड ध्यान दीजिएगा, 10 माइक्रोसेकंड था, बट थर्ड जनरेशन में आके वो क्या हुआ, 100 नैनो सेकंड में हो गया डेवलप। इन द क्या होता था, स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी क्या होती सेकंड जनरेशन में कम थी, उससे ज्यादा क्या हुई, हम स्टोरेज डिवाइस बढ़ाए और अपने जो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाए वो जाके आपने कर दिया 10 नैनो सेकंड। इसमें एक चीज और डेवलप हुआ था, जो लैंग्वेज हुआ था कोबोल फोरट्रान, जो लैंग्वेज हुआ था हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज इसमें यूज हुआ था, ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ था इसमें, जो कि आपको क्या होता है इसमें सॉफ्टवेयर लाइन जाने के लिए कोबोल फोरट्रान अभी यूज होते हैं छोटे छोटे से जगह, लेकिन इसके जो डेवलप किया गया था ये क्या होता है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा देता है, इसके छोटे से कोड होते हैं वो क्या होता है स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी दौरान जो थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या होते थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको आगे पढ़ा जाएगा, DBMS जो BBMS में प्रायर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन द फ्यूचर आप कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो, कोई भी चीज करते हो, जहां से डाटा आपका स्टोरेज कैपेसिटी से आपको बाहर आता है, इसी दौरान हम लोग DBMS का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किए। इसी दौरान हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम का यूज किए। इसी दौरान हम लोग क्या यूज किए, IBM सिस्टम जो होता है इसी आपके थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया। जो IBM जनरेशन होता है वो यही वाला जनरेशन होता है, थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने IBM जाके स्टार्ट किया था। IBM के अलावा हम लोग और भी हम लोगों ने सीखा था इसमें डेटाबेस ऑनलाइन सिस्टम, आपको नेट चलाने की सुविधा जो होती थी ऑनलाइन सुविधा थर्ड जनरेशन में जाके ही स्टार्ट हुई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं छोटा सा पार्ट लेके फोर्थ जनरेशन।
जनरेशन, FORTH, जो फोर्थ जनरेशन होता है उसमें क्या क्या बहुत चीज डेवलप हो जाते हैं, उसमें हम लोग की स्पीड क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, जो फोर्थ जनरेशन अभी तक चल रहा है और पांचवा जनरेशन भी अभी तक चल रहा है, इसमें क्या होता है बड़े पैमाने में हम लोग क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे। 1971 से लेके जो भी आप अभी टूडे जो भी जनरेशन चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही चल रहा है। इसमें क्या होगा, बड़े हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए, मेमोरी का विंचेस्टर डिस्क होती है तो जो हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस, जो आप सीडी डीवीडी राइटर होती है वो विंचेस्टर डिस्क होती है उसमें। फिर आगे हम लोग स्टार्ट किए थे टाइम शेयरिंग और नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर के समूह को ही नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या हुआ, हम लोग लैंग्वेज सीखे थे फोर्टान 770, फिर पास्कल भी लैंग्वेज आ गया था उसी दौरान, और फिर उसके बाद कोबोल भी आ गया था उसी दौरान। इसी दौरान जो हम लोग डेवलप किए थे वो मिनी कंप्यूटर भी डेवलप किए थे, जो आपका मिनी कंप्यूटर डेवलप हुआ था इसी दौरान हुआ था। इसमें IBM उसके बाद इंटेल ये जो कंप्यूटर होती हैं इसी दौरान आई थी, थर्ड जनरेशन 1971 से लेके अब तक जो जनरेशन चल रहा है उसी जनरेशन के आई थी। इसमें फर्स्ट मेमोरी में क्या यूज होता था, अब लोगों ने आईसी पढ़ा था, आईसी का जो यूज हुआ था मुख्य क्या यूज होता था, वो था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद क्या यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वेरी बड़े पैमाने पे, छोटे छोटे आप देखते होंगे उससे, जैसे आईसी का होता है VLIC, उससे वेरी लार्ज VLIC कह सकते हैं उसे। VLIC मतलब बहुत बड़े पैमाने पे आप लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया था, जो कि स्पीड कितना रहता था 300 नैनो सेकंड का ये स्पीड देता था। इसमें टाइम सेविंग नेटवर्क्स थी, फोर्टान लैंग्वेज भी होता, इसी दौरान आपको IBM, PSTN, इंटेल 404 करके आपको माइक्रो प्रोसेसर देखे होंगे मार्केट में, इंटेल 404 इसी दौरान जो जनरेशन में डेवलप हुआ था इंटेल 4004 करके, वो आपका 300 जो नैनो स्पीड देती है वो जाके माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। और स्टोरेज के लिए आपको हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर के थ्रू जो मेमोरी लगती है वो सब जाके इसी जनरेशन के दौरान यूज हुआ था। फिर उसके बाद पांचवा जनरेशन आया, पांचवा जनरेशन में ज्यादा चेंज नहीं हुए थे, पांचवा जनरेशन में जो अब तक चल रहा है फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, उसमें क्या हो रहा था, हम लोग डिजिटल सिस्टम से सारा चीज करते हैं, सेंसर सिस्टम इसी दौरान आया था आपका बड़े पैमाने पे, जो यूज हुआ था इंटीग्रेटेड VLIC यूज हुआ था। फिफ्थ जनरेशन में भी VLIC यूज हुआ था, और हम लोग क्या करते थे वो हार्ड डिस्क लगाते हैं, जब हार्ड डिस्क को खोलेंगे तो उसमें डिस्क टाइप का होता है, वो ऑप्टिकल डिस्क होता है, उसी में सारा डेटा ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर करते हैं। इसमें जैसे कोई हार्ड डिस्क होती है ठीक है, उसमें राउंड राउंड बने होते हैं, उसमें हेडर और नोजल होते हैं जिसमें डेटा स्टोर रहते हैं। उसके बाद हम लोग का जो प्रोसेसिंग सिस्टम होती है वो नॉलेज इंफॉर्मेशन बेस हो गई सारी। अब ये सारी जो कुछ सारी इसमें जो कंप्यूटर यूज हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब सारी चीजें हो गई इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू सारी सारी अवेलेबल हो गई। जो आपका फिफ्थ जनरेशन में अभी भी हम लोग छोटे छोटे कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे आपका यूज करते हैं प्रोसेसिंग, इमेज रिकॉग्निशन, ग्राफिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC, मिनी कंप्यूटर, ये छोटे छोटे जो पर्सनल कंप्यूटर सब इसी जनरेशन के बनाए हुए कंप्यूटर हैं, ये आपका फिफ्थ जनरेशन में। आगे भी स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के टाइप के बारे में। देखो कंप्यूटर के जो हम लोग क्या देखते हैं, कंप्यूटर रियल लाइफ में भी कंप्यूटर कई टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग डेटा ट्रांसमिट के आधार में भी डेटा हम लोग देखते हैं, साथ साथ कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में भी देखते हैं कि कंप्यूटर जैसे हम लोग को जो पहले बड़े पार्ट में कंप्यूटर था, बिगर रूम में कंप्यूटर था, वही कंप्यूटर था सब जाके बहुत ही स्मॉल पार्ट में डेटा स्टोर करते। अब क्लासिफिकेशन जब कंप्यूटर जाते हैं हम लोग तो क्या बेसिस आप किस में देखते हैं, पहले कंप्यूटर की साइज पे जाते हैं, उसकी पर्पज पे जाते हैं, साथ साथ उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं। जैसे हम लोग क्या कंप्यूटर के तो हम लोग क्या
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन तीन लेवल पे बांटा गया है, पहला साइज पे, दूसरा पर्पज पे, तीसरा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है और पर्पज। पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन कैसा कैसे यूज होता है। एप्लीकेशन मतलब बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग पहले पहले एप्लीकेशन के आधार पर पहले कैसे डेटा उसके इंटरनल पार्ट समझेंगे, फिर एक्सटर्नली उसके आधार पर समझेंगे, फिर उसके बाद उसके टाइप के पर जानेंगे कैसा यूज हुआ है, बड़ा चाहिए तो बड़ा कंप्यूटर, छोटा चाहिए। तो कंप्यूटर पहले एप्लीकेशन पहले ऑन जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। दूसरा स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। उसको तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो हम स्टार्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, जो पहला स्टार्ट करते हैं। देखो कंप्यूटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन तीन के आधार पर होती है, एक उसके पर्पज के आधार पर होती है, एक उसके एप्लीकेशन के आधार पर होती है, तीसरा उसके साइज के आधार पर होती है। जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, जो पहला क्या होता है पर्पज, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन कैसे नापी गई है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पर्पज क्या है, पहला जनरल पर्पज। जनरल पर्पज इनका हम लोग पर्सनल यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, किसी नेटवर्क सिस्टम यूज करते हैं, वो हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरल कंप्यूटर भी यूज करते हैं नॉर्मल, किसी भी शॉप पे, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में, बिजनेस में, साइंटिस्ट में, सिर्फ बड़े लेवल पे स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर आते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई कंप्यूटर की, ठीक है, मौसम विज्ञान में हो गया आपका, साथ साथ आपका सर्वर वाला मेथड हो गया, क्लाइंट का मेथड हो गया, नेटवर्क शेयरिंग भी हो गई,